जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। जो भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस पे कमेंट करते हैं, माता रानी उनके जीवन में सिर्फ उन्नति भरे और उनका धन धान्य 1000 टाइम्स अनगिनत टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उन पर वापस जाए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स पे नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, माता रानी उनके जीवन में वापस नेगेटिविटी थ्रो कर दे। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना मैं आपको दे दूं, मेरे नाम का एक फेक चैनल ASD टैरो 2 के नाम से आ गया है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी। वो मेरे नाम पर आपसे डोनेशन मांग रहा है। मेरे चैनल द्वारा कोई भी डोनेशन नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपसे कोई चैनल मेरे नाम पर डोनेशन मांगता है तो प्लीज़ उसको कोई डोनेशन मत दीजिएगा। मेरे चैनल पे जो भी आपको कांटेक्ट करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, मेरे शॉर्ट वीडियोस पे ऊपर फ्लैश करता है, उसी नंबर पे बस आपको कांटेक्ट करना है। और वो पेड रीडिंग्स होती है, बस वही आपको पेड करना होता है। किसी तरह का और कोई डोनेशन मेरे चैनल पे आपको नहीं देना होता है। तो ये जो ASD टैरो 2 नाम के का एक चैनल आ गया है, ASD टैरो 2, उसमें 2 बना हुआ है। तो ऐसा कोई भी चैनल मेरे नाम से अगर कोई वीडियो या पोस्ट डालता है तो प्लीज़ उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वो मेरा चैनल नहीं है। तो चलिए मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगी। तो चलिए आज का डाउनलोड देख लेते हैं, माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। ओके, आपने कुछ तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, आपने थंबनेल में आज के देख ही लिया होगा कि क्या आपको डाउनलोड्स आ रहा है। देखिए, इसमें आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए कि एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी मींस मदरहुड, प्रेगनेंसी मींस कि एक माँ बनने का सपना, या आप एक माँ हो, आप हो भी सकती हैं या इंतज़ार कर रही हैं प्रेगनेंसी का। अगर आप मेल हैं तो आप फादर बनने का सपना देख रहे हैं, पेरेंट बनने का सपना देख रहे हैं, या ऑलरेडी आपके बच्चे हैं। लेकिन ये बच्चों से रिलेटेड रीडिंग आ रही है, जो आज की रीडिंग आ रही है। 3 लोग, एक आप हैं और 2 लोग आपके जीवन में ऐसी महिलाएं हैं। देखिए, एक थोड़ी सी उम्र दराज महिला है, और एक जिसके की सफ़ेद बाल हैं, और एक थोड़ी यंग एज की महिला है। इन दोनों के पास देखिए कैसे ब्लैक एनर्जीज हैं, जो कि आपको बहुत आपका शुभ चिंतक दिखाती हैं, बहुत अच्छा दिखाती हैं, आपसे बहुत दोस्ती भी करना चाहती हैं, आपको मतलब आपकी वेल विशर आपको दिखाती हैं, ऐसा दिखाती हैं कि आपका हमेशा हित कर सोचती हैं, ऐसे आपसे गठजोड़ करके रहना चाहती हैं, आपसे हाथ मिला के आपकी खुशियों में शामिल होना दिखाना चाहती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये एक नागिन है। ये लोग इस तरह से प्लानिंग्स करती हैं, ये इस तरह से कुछ स्पेल्स करती हैं। 2 लेडी ये हैं, 2 लेडी और हैं जो कि आपके ऊपर जिनके थ्रू ये स्पेल्स ये करवाती हैं, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई खुशी ना आए। प्रेगनेंसी का अगर आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है मिसकैरेजेस आप झेल रहे हो लाइफ में, हो सकता है कि आप कई बार कोशिश करने के बावजूद आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो मिसकैरेज हो जा रहा है, या किसी बिना किसी कारण के आपको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न, आपके बच्चे हैं लेकिन उनसे भी जलन ये महिलाएँ रख रही हैं, उनके ऊपर भी स्पेल्स करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बच्चों पर स्पेल करना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ भी उनको बहला फुसला के, टॉफ़ी हो गया, कोई मीठी चीज़ ये लोग खिला दें, ताकि देखिए पेरेंट से अगर किसी भी पेरेंट को या पेरेंट बनने का सपना देखने वाले इंसानों की लाइफ अगर पूरी डिस्टर्ब करनी है तो उनके बच्चों पर स्पेल कर दो।
बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो ना तो माँ का ना उसके पिता का कहीं भी मन लगेगा। और यदि आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आपको नीचा दिखाने का, आपको दुनिया में डिफेम करने का। इस तरह के स्पेल्स आप में से कई लोगों के, आपके जानकार, आपके अपने फैमिली मेंबर्स या जिनसे भी आपका एक रिलेशन है, किसी भी तरीके का ये रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें कि एक बूढ़ी महिला और एक जवान महिला क्लियरली आ रही है, ये किसी दो तांत्रिक महिलाओं के पास ही जाती हैं और आपका कोख बंधन करती हैं और कई लोगों के बच्चों पर ये स्पेल्स करने की कोशिश कर रही हैं ताकि आपके बच्चे बीमार हो जाएं। इस तरह से आपको घेरने की चारों तरफ से कोशिश हो रही है, आप पे ब्लैक एनर्जी भेजने की कोशिश हो रही है ताकि आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपकी पूरी लाइफ उलट पलट जाए, सारा आपका अबंडेंस, सारी आपकी जो इमोशनल लाइफ है वो एकदम, मतलब इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओ। प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो भी एक कपल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, बहुत परेशान होगा, बहुत ट्राई करेगा और उसको दुनिया में ताने भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। या आपका बच्चा बीमार है, बहुत आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बार बार बच्चों को बीमारी आ रही है, बार बार बच्चों को बीमारी आ रही है, बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो भी पेरेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस तरह से आपको नीचा दिखाने के लिए एक भंवर में फंसाने की कोशिश हो रही है, ताकि अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो इस तरह की कोशिश की जा रही है कि आपके बच्चे आपसे झगड़ा करें, आपके घर में प्रॉब्लम हो, आपकी बातें ना सुने। जिन लोगों के बच्चे बड़े हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे जिससे रेजोनेट करे ले ले। हो सकता है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हों, हो सकता है आपके बच्चे बीमार हो, बार बार बीमारी आ जा रही है, बार बार आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, ग्रोथ रुक रही है, या हो सकता है आपके बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, आपके सुनते नहीं हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनको बहुत ज़्यादा नकारात्मकता घेरी हुई है, उदास रहते हैं, आपसे भी कम बात करते हैं, कई लोगों के बच्चे गुमसुम रह रहे हैं। इस तरह की हरकतें करने की पूरी कोशिश आपके बच्चों पर की जा रही है और ये कुछ महिलाएं कर रही हैं जो आपके जानकार में हैं। ओम नमः शिवाय। और क्या माँ को गाइडेंस दे रही हैं, देखिए इस तरह से लोमड़ी की चाल में वो इंसान आपके जीवन में आ रहा है, आप पे नज़रें रख रहा है, आपकी हर अबंडेंस पे, आपकी हर गतिविधियों पे, ताकि आप स्पेल्स आराम से करवा सकें। आना जाना हो सकता है आपके घर में हो, कोई चीज़ डाल जाए, कोई भभूत टाइप की चीज़ आपके घर में फूंक जाए, ताकि आपके घर में आपके बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं। और अगर आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं तो इन लोगों ने आपको कोई चीज़ खिलाने की कोशिश की हो, हो सकता है कोई चीज़ गिफ्ट की हो, कोई प्लांट गिफ्ट किया हो या किसी प्लांट में कोई चीज़ डाल गए हों। हो सकता है किसी तरीके का फ़ोटो फ्रेम आपके पास हो, उस जो कि दीवार पे लटका हो, उस पे ये लोग जिस पे आपकी फैमिली फ़ोटो लगी हो उस पे ये स्पेल्स कर गए हैं, कोई चीज़ फूंक गए हैं जिसमें आपके बच्चों की भी फ़ोटो हो, आपकी भी हो, आपके हस्बैंड की भी हो, आपकी फैमिली लाइफ की हो, उस पे ये कोई चीज़ स्पेल्स कर गए हैं जो कि एक दीवार पे लटकी हुई मुझे दिखाई दे रही है। और इस पे भी स्पेल हो सकते हैं, जिस तरह का भी आपको ये नागिन टाइप की ये औरतें हैं जो आप पे बेहद आपको डंक मार रही हैं, आपको परेशान करने के लिए इन्होंने ये स्पेल्स कराए हैं, आपके घर में झगड़ा फसाद कराने के लिए। तो आपको जो गाइडेंस आ रहा है कि आपके बच्चों को आपको बेहद संभाल के रखना है। अगर इन्होंने आपके ऊपर स्पेल्स कर भी दी हैं तो भी आपको बहुत संभल के रहना है, बहुत प्योरिटी रखनी है, अपने घर में धूप दीप और लोबान दिन भर दिखाइए, अपने बच्चों को आप नज़र उतारते रहिए, उनकी नज़र उतारते रहिए। अगर उनको आपको किसी भी तरीके का डिस्टर्ब्ड आपको उनका बिहेवियर दिख रहा है या अचानक से वो पढ़ाई करते करते एकदम पढ़ाई करने में वीक आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, आपसे उनकी बातें कम हो गई है, गुमसुम से रहने लगे हैं,
तो समझ लीजिए कि उनके ही किसी, आपके ही किसी जानकार ने उनके ऊपर ये स्पेल्स कर दिए हैं आपको परेशान करने के लिए, आपकी फैमिली लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए। आपके ऊपर इस तरह से नज़रें भी ये लोग रख रहे हैं, नज़रें रख रहे हैं, और ये पूर्णिमा से अमावस तक रोज़ इस तरह के स्पेल्स आपके ऊपर करवा रहे हैं ताकि आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाएं, बीमार हो जाएं। तो जो माँ का आपको ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने घर में लुबान लुबान का धुनी रोज दिखानी है, अपने बच्चों की रोज नज़र उतारनी है, उनसे बातचीत आपको लगातार करते रहना है ताकि वो अकेलापन ना महसूस करें, उनको ज़्यादा डांटना नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार आपको मिसकैरेज हो रहा है तो आपको अपनी भी हीलिंग करानी चाहिए, आपको अपनी खुद की हीलिंग करानी चाहिए कि क्या आपके ऊपर ऐसा दोष आ रहा है। किसी के हाथ का दिया हुआ हो ज़बरदस्ती ना तो खुद खाएं ना अपने बच्चों को खिलाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।